सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक 2-in-1 टॉर्च लाइट का। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है और हमारे पास ये रहा पिजन कंपनी की तरफ से ध्रुव साइन। ये आपको एक ये ध्रुव साइन मॉडल है 2-in-1 टॉर्च लाइट, दैट इज़ आप इसे डेस्क लाइट प्लस टॉर्च दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है चार्जिंग के दौरान। और यही इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 1200 mAh की लिथियम बैटरी दी गई है। और यहाँ पर जो आपको टॉर्च मिल रहा है उसमें एक LED लगा हुआ है जो कि 3 वाट का है, और ऊपर डेस्क लैंप में आपको 14 पीस LED मिलते हैं जो कि 0.1 वाट का है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पैकेज को ओपन कर लिया है और इसमें आपको सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। सो अगर यहाँ पे मैं आपको लेंथ दिखा दूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 मीटर का ये वायर है जो कि ठीक ठाक है। ये नॉर्मल USB आपको मिलता है यहाँ पे, माइक्रो USB केबल है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको ये वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर जो हमारा जो मेन यूनिट है आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर में है, और ऊपर के साइड आपको टॉप में यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रहा है जिससे आप 3 टाइम प्रेस करोगे तो 2 टाइम्स ये जो है वो टॉर्च के लिए वर्क करता है और 1 टाइम ये डेस्क लैम्प जो आपका दिया गया ऊपर की साइड, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ये वर्क करता है। सो पीछे की साइड यहाँ पे आपको पिजन का ये टैग दिख रहा होगा जिसमें इसका जो सीरियल नंबर है ये सब मेंशन है, मॉडल नंबर मेंशन है। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। सो इसे आपको ओवरऑल चार्ज करने में 4 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है और यहाँ पर आपको ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। सो आप देख सकते हो टॉप में एक LED है। सो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो इसका जो डेस्क लैंप है वो कैसा है। सो यहाँ पे डेस्क लैंप को ओपन करने के लिए इसे आपको अपने साइड पुल करना पड़ेगा तो ये जो है इजीली ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कुछ लुक ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर इसका लुक है, स्मॉल साइज़ का है। और यहाँ पर आप इसे 3 टाइम प्रेस करोगे बटन को तो यहाँ पर जो भी आपका जो डेस्क लैंप है वो वर्क करने लगता है। और ऊपर की साइड इसमें आपको 14 पीसेस LED लगे हुए हैं जो कि 0.1 वाट का है। जो इसका जो ब्राइटनेस है मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है, बट जो इसका जो लुक वाइज अगर हम बात करें तो इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी भी है, प्लास्टिक जो इसका बॉडी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बैटरी बैकअप टाइम की बात करें तो अगर आप इससे फुल ब्राइटनेस पे यूज़ करते हो इसके टॉर्च लाइट को फ्रंट वाले को तो इसमें आपको 2 घंटे का बैकअप देखने को मिलता है। अगर आप इससे मीडियम लाइट पे यूज़ करोगे फ्रंट वाले टॉर्च लाइट को तो इसमें आपको 10 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाता है। और आप इसके डेस्क लैम्प को यूज़ करते हो तो इसमें भी आपको 10 घंटे का बैकअप टाइम देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ पे इसके आप ऊपर वाले डेस्क लैम्प को बस टॉप तक इतना ही मूव कर सकते हो, इससे ज़्यादा ये नहीं होता है। सो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इससे डायरेक्टली बंद कर दोगे तो ये बंद नहीं हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसा ऑटोमेटिक सेंसर नहीं लगा हुआ है कि जो ये इसके जो लाइट है वो बंद हो जाए, वो अंदर ग्लो होता ही रहेगा और आपका बैटरी जो है वो ख़त्म होता ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप इससे फोल्ड करते हो तो आपको इसके जो पुश बटन दिए गए हैं उसके थ्रू आपको इससे बंद करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसमें आपको 4 से 6 घंटे का चार्जिंग टाइम लग जाता है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट दिया गया है और साथ ही साथ ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल डार्क रूम में हमने इस लैम्प को ऑन किया है, इसके डेस्क लैम्प को। सो जो इसका जो ब्राइटनेस है यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कैसा है। सो मैं इसे आपको एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ ये कैसा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कम्प्लीटली डार्क रूम था, और यहाँ पे जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी वर्डिंग्स हैं वो काफ़ी क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यही अगर हम अपने कैमरे का एक्सपोज़र चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस में काफ़ी अंतर दिखाई देगा, बट अगर आप इसे रियल लाइफ में देखोगे अपने आँखों से देखोगे तो जो इसका जो ब्राइटनेस है ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें जो 1.4 वाट के अप्रॉक्स इसका जो ऊपर में लाइट दिया गया है, 14 इसमें LED है जो कि 0.1 वाट के हैं। सो जो इसका ओवरऑल ल्यूमिनियस आ रहा होगा 130-140 के अप्रॉक्स होगा। सो इसका जो लाइट है नॉर्मल यूजेस के लिए सिंपल, अगर आपको थोड़ी देर इसमें कुछ भी इमरजेंसी वर्क देखना हो तो वो ठीक है, बट इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग टाइम इसमें पढ़ाई लिखाई करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो टॉर्च लाइट है उसका भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।